अभिषेक, जश्न की तस्वीरें, मुख्यमंत्री का इंतजार, कितनी देर में पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ? चित्रा देखिए, मुख्यमंत्री पांच कालिदास मार्ग से निकल चुके हैं, अब वो किसी भी पल पहुंचेंगे यहां पर, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और आप पीछे जो मंच है, मंच को देखिए, तमाम लोग अब सिर्फ इस बात के इंतजार में हैं कि किस क्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। तो गाने भी रुके हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार हो रहा है। पांच कालिदास मार्ग से काफिला चल निकला है बीजेपी दफ्तर के लिए। अपनी बात को आगे बढ़ाइए अभिषेक। बिल्कुल, और मुश्किल से कुछ मिनटों का ये वक्त है जब वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, यानी कि एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का काफिला बढ़ चला है लखनऊ में बीजेपी दफ्तर की तरफ। यहाँ हजारों की तादाद में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जुटे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे। मंच पर जो इस वक्त की मौजूदगी है, सभी संगठन के लोग, कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिस वक्त योगी आएंगे उस समय डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और संगठन शिल्पी जी ने कहा जाता है सुनील बंसल, और साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। कुल मिलाकर पूरा जो मंच सज चुका है, अब कुछ मिनटों में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। गाने बज रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर, मैं वही कह रहा था चित्रा, कि तमाम नजरें अब हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे इस पर नजर होगी। प्रधानमंत्री तो दिल्ली में बोलेंगे ही, लेकिन इस जीत पर, क्योंकि बुलडोजर बाबा की ये जीत कही जा रही है, अब नजरें इसी बात पर रहेंगे कि योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं से कहते क्या है। चित्रा, भाषण में बुलडोजर आएगा कि नहीं आएगा, अब सबकी निगाह इसी बात पर रहेगी, क्योंकि बुलडोजर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जितने उत्साहित और जश्न में डूबे हुए हैं, यकीनन ये दूसरे दलों के लिए मुश्किलें भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें अभी भी फंसी हुई हैं, सिराथू को लेकर, या कुछ और भी सीटें हैं जहां पर बड़े नेताओं को लेकर अभी क्लैरिटी की स्थिति नहीं है, क्या ये बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है? अभिषेक, बिल्कुल, देखिए सिराथू की सीट अभी भी फंसी हुई है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। कुछ देर पहले तक जो खबर थी उसमें पहले था कि पल्लवी आगे चल रही हैं, फिर खबर आई कि वो आगे हो गए केशव मौर्य, लेकिन अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है सिराथू को लेकर। और ये माना जा रहा है कि अभी भी शायद केशव मौर्य अभी भी पीछे हैं, और आखिरी वक्त, आखिरी उनका जो कुछ चरण बाकी है, 26 चरण के की काउंटिंग हो चुकी है और 4 चरण की काउंटिंग बाकी है। ऐसी स्थिति में बड़ा ही क्लोज मुकाबला है, अब आखिर में कौन जीतता है इस पर तो सबकी नजर रहेगी। लेकिन सिराथू ने पार्टी की सांस जरूर अटका रखी है, क्योंकि अगर फंसती है केशव मौर्य की सीट तो सियासत में भी बहुत कुछ फंसेगा। अब देखना यह है कि क्या होता है, लेकिन लेकिन चित्रा, बहुत बड़े बड़े नाम ये चुनाव हार चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री हार चुके हैं, और अब बिल्कुल नई तरह की बीजेपी भी दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि इस जीत के बाद बीजेपी के भीतर कितने बड़े बदलाव होते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल सभी कार्यकर्ता टकटकी लगाए सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला दफ्तर पहुंचता है।